गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास का जीके में चैप्टर नंबर 36 बैकवर्ड्स ऑफ फॉरवर्ड्स करेंगे। ठीक है, बैकवर्ड्स मतलब पीछे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। हेयर इज अ सेट ऑफ वर्ड, यहाँ पर जो है एक वर्ड का सेट है। इफ़ यू रीड देम बैकवर्ड, अगर आप उसको उल्टा पढ़ेंगे, यू विल फाइंड अनदर वर्ड, तो आपको कोई अलग वर्ड, एक और वर्ड मिलेगा। राइट द न्यू वर्ड इन द ब्लैंक, आपने नए वर्ड को जो है उस ब्लैंक में लिखना है। तो आप देखें तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर पिक्चर भी ड्रॉ है, जिससे कि आप इसको जो है पहचान सकें। रीड एंड राइट द वर्ड RATS, रैट्स, बैकवर्ड टू फाइंड अ हेवनली बॉडी। तो इसको हम बैकवर्ड लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, S, फिर क्या आएगा, T, फिर क्या आएगा, A, फिर क्या आएगा, R, तो क्या बन जाएगा, स्टार, जो कि आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। ये देखिए, ये स्टार की पिक्चर है। नेक्स्ट देखिए, रीड एंड राइट द वर्ड यम, बैकवर्ड टू गेट द न्यू ऑफ द हॉट मंथ। हॉट मंथ मतलब गर्म महीना, तो MAY, तो क्या बन जाएगा, मे। ये देखिए, आपको दिखाया भी हुआ है मे। रीड एंड राइट दिस वर्ड सब, बैकवर्ड टू गेट द नेम ऑफ अ व्हीकल। ये देखिए, व्हीकल आपको दिखाई भी हुई है, पर आप फिर भी देखिए, BUS, बस हमने इसको बैकवर्ड पढ़ा है, यहाँ से स्टार्ट किया है और आगे की तरफ हम चल रहे हैं। चलिए, रीड एंड राइट द वर्ड रिवार्ड बैकवर्ड, तो टू फाइंड अ कंपार्टमेंट इन योर डेस्क, आपको एक कंपार्टमेंट मिलेगा आपके डेस्क का। कैसे, DRAWER, क्या बन गया, ड्रॉर। रीड एंड राइट द वर्ड गम बैकवर्ड्स टू गेट अ ड्रिंकिंग वेसल। ड्रिंकिंग वेसल मतलब पीने के लिए जो किसी चीज का यूज किया जाता है वो। तो देखिए, MUG, क्या बन गया, मग। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हाउ मैनी, कितने हैं। सर्कल द करेक्ट नंबर, आपने सही नंबर को सर्कल करना है। सीड इन अ मैंगो, कितनी सीड होती है एक मैंगो में, ओनली वन। डेज इन अ फॉर्नाइट, फॉर्नाइट मतलब कितने डेज होते हैं फॉर्नाइट में, 14। मंथ्स विद 31 डेज इज 7। ठीक है, आप काउंट करके देखिए कौन कौन से मंथ में 31 डेज हैं और वो कितने हैं, 7 हैं। कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज 21। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ABCD, और इसमें से वॉवल्स को हम अलग कर देंगे तो कितने हुए, 21। बटन्स ऑन अ कंप्यूटर माउस इज 2। सीट्स फॉर पीपल इन अ यूजुअल मोटरसाइकिल इज 2। एक मोटरसाइकिल पे कितने जने बैठ सकते हैं, 2। पीसीज यूज्ड इन अ गेम ऑफ चेस, चेस में कितने जो है पीसीज होते हैं, 32। बोथ साइड 16, 16, तो 16 प्लस 16 कितने होते हैं, 32। आर्म्स ऑफ एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती हैं, 8। पैसा इन अ रुपी इज 100, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100। स्पोक्स इन द चक्र ऑफ इंडिया, इंडियाज फ्लैग इज 24, जो भारत का झंडा है उसमें कितने स्पोक्स होते हैं उसके चक्र में, 24। आपने इन दोनों चैप्टर्स को फिल करना है अपनी बुक में और लर्न भी करना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।